हेलो एवरीवन वर्न इस टॉपिक इज पेशेंट प्रिपरेशन फॉर डेक्सा स्कैन डेक्सा स्कैन की पेशेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डेक्सा स्कैन क्या है डेक्सा मींस ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्ब मेट्री और इसको बी टेस्ट भी कहते हैं बी मींस होता है बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री टेस्ट ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है ये टेस्ट बोन को एग्जामिन करने के लिए करते हैं ये टेस्ट बोन की डेंसिटी और थिकनेस को मेजर करने के लिए परफॉर्म करते हैं बोन डेंसिटी टेस्ट के थ्रू बोन में कैल्शियम अमाउंट को मेजर करते हैं इसका यूज इसमें बोन वीक हो जाती है जिसकी वजह से सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डेक्स स्कैन का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाकर उसको जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं

इसके बाद आता है कि डेक्सा स्कैन को करने से एटलीस्ट ट्वेंटी फ़ोर आवर्स पहले पेशेंट को ये बताना है कि अगर पेशेंट कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसको बिफोर द एग्ज़ाम एटलीस्ट ट्वेंटी फ़ोर आवर्स पहले, पहले कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बंद करना है इसके बाद पेशेंट के जो क्लॉथ्स से उनको रिमूव करवाना है और उसको हॉस्पिटल गाउन पहनाना है दैट मीन्स आस्क द पेशेंट टू रिमूव क्लॉथिंग एंड वेयर अ हॉस्पिटल गाउन इफ द पेश प्रेगनेंट और माइट बी प्रेगनेंट देन द एग्जामिनेशन में बी अनसेफ फॉर द बेबी बिकॉज द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी और डेक्सा स्कैन के लिए कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है देट्स ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक यू